हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस, आज होकाई सीरीज की सीजन के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर केट रोनिन के कपड़े पहन लेती है और उसकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं, और उसके बाद फिर होकाई उसे लास्ट में बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। और उसके बाद ये एपिसोड स्टार्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि होकाई ने केट बिशप को पकड़ के रखा है, और फिर केट बिशप होकाई को देख लेती है और वो जान जाती है कि वो होकाई है, जिसके बाद उसे देखकर शॉक हो जाती है। और फिर होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन भी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद वो उसे अपना नाम बताती है और वो कहती है कि मैं केट बिशप हूँ। और फिर होकाई उससे उस ड्रेस के बारे में पूछता है कि वो उसे कहाँ से मिली, वो कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। अब वो जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो होकाई केट से पूछता है कि तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा, जिसके बाद केट से बता दिया कि मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखा है, जिसके बाद वो एक पिज़्ज़ा की दुकान के बाहर पहुँच जाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा की दुकान के ऊपर ही केट बिशप का घर था, जो कि एक अपार्टमेंट था जहाँ पर वो रहती थी। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट पर जाते हैं, जिसके बाद होकाई उससे उस रोनिन की ड्रेस को उतारने के लिए कह देता है और कपड़े चेंज करने के लिए कह देता है, जिसके बाद केट जाकर कपड़े चेंज कर लेती है। और फिर वो वापस आकर अपना एक बॉल आती है, जिसके बाद वो होकाई से उसके ऊपर साइन करने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो एक तरह से होकाई की फ़ैन थी। लेकिन फिर उससे होकाई पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हारा चेहरा तो देखा नहीं था, जिसके बाद केट उसे कहते हैं कि मेरा चेहरा किसी ने भी नहीं देखा, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ट्रैक सूट माफिया उसके घर के बाहर आ जाते हैं और वो वहाँ पर एसिड की बोतल फेंकने लगते हैं, जिसके बाद उनके घर में आग लग जाती है। और होकाई भी फिर वहाँ पर पलटवार करता है और वो उस बोतल को वापस से बाहर फेंक देता है। ट्रैक सूट माफिया के पास भी आग लग जाती है, जिसके बाद वो भागने लगते हैं। केट अपने डॉग को ले लेती है और वो होकाई के साथ पिछले वाले रास्ते से निकल जाती है, जिसके बाद वो एक सबवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वो सूट वहीं छूट जाता है, जिसके बाद होकाई कहता है कि मैं उस सूट को वापस बाद में ले जाऊंगा। और उसके बाद होकाई उससे कहता है कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद वो उसे सुपरमार्केट में ले जाता है और वहाँ से कुछ मेडिसिन और एंटीसेप्टिक खरीदने लगता है, जिसके बाद केट उससे पूछता है कि क्या अब हम एवेंजर्स टावर जाएंगे, जिसके बाद होकाई से बताता है कि नहीं, वो टोनी ने कई साल पहले बेच दिया है। उसके बाद होकाई से पूछता है कि क्या और कोई सेफ जगह है, जिसके बाद केट से बताते हैं कि हाँ, एक सेफ जगह है जहाँ पर हम छिप सकते हैं, जिसके बाद वो उसे अपनी आंटी के घर ले जाती है, और उसकी आंटी हॉलीडे के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए वो उनके घर में घुस जाते हैं। अब क्लिंट केट को उसकी आंटी के घर छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम एंटीसेप्टिक से अपनी चोट को साफ करके उस पर दवाई लगा लेना और मैं उस ड्रेस को लेने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है केट बिशप के घर पर। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से पुलिस आ गई है, क्योंकि वहाँ पर आग लगी हुई थी, इसलिए वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। अब होकाई छुपकर पुलिस वालों के बीच घुस जाता है और वो फायर ब्रिगेड वालों के कपड़े पहन लेता है, जिसके बाद वो केट के घर पर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ उसके घर में पहुँचता है तो वहाँ पर उसे वो ड्रेस नहीं मिलती है। अब होकाई केट बिशप के पास जाता है और वो उसकी चोट पर दवाई लगाकर उसे सोने के लिए कह देता है, जिसके बाद केट बिशप सोने के लिए चली जाती है। अब होकाई एक चेयर पर बैठा होता है और वो अपने मोबाइल में गूगल चलाकर उस पर टाइप करता है NYC LARPers, जिसके बाद उसके सामने एक वीडियो आता है। और जब वो उस वीडियो को चलाता है तो उसे उसके अंदर एक बंदा दिखाई देता है, जो कि उसी रोनिन की ड्रेस को पहने हुए था। और फिर वहाँ पर लायला का मैसेज आता है और फिर क्लिंट उसे कहता है कि हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ, आने वाला हूँ, जिसके बाद अगले दिन सुबह हो जाती है और फिर वो अपने तीनों बच्चों को एक कार में बैठाकर एयरपोर्ट पर भेज देता है, जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और होकाई उनसे कहता है कि मैं कुछ दिन बाद आऊँगा। अब वो केट के पास जाता है, जिसके बाद केट उससे कहती है मुझे अपनी कंपनी में जाना हो, जो कि उसकी मोम की कंपनी होती है, जिसका नाम होता है बिशप सिक्योरिटी, और वो कहती है कि वो हमारी सिक्योरिटी कंपनी है जिसमें हम ज़्यादा सेफ रहेंगे, जिसके बाद होकाई उससे पहले तो वहाँ जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी जीत के चलते वो उसके साथ वहाँ पर चला जाता है। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो उसे दूसरी तरफ कर देता है, जिसके बाद केट उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसके बाद होकाई उसे कहता है कि नहीं, मैं इस कान से ज़्यादा साफ सुनता हूँ, क्योंकि उसके कान में वो मशीन लगी होती है, जिसके बाद केट उससे इस बात का कारण पूछती है। लेकिन तब वहाँ पर कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जो कि होकाई के होते हैं, और फिर वो इस बारे में उससे बात नहीं करता, जिसके बाद वो अब केट की कंपनी में पहुँच जाते हैं। अब वो केट को उसकी कंपनी में छोड़ देता है, जिसके बाद वो केट को अपना नंबर दे देता है और फिर से वापस से सेफ हाउस पे चला जाता है, जिसके बाद केट अपनी कंपनी में चली जाती है, जहाँ पर जाकर से उसकी माँ मिलती है। अब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है, जहाँ पर जैक भी होता है और वो आज डिनर बनाने वाला होता है, जिसके बाद होकाई यानी कि क्लिंट बार्टन NYC LARPers के पास जाता है अपनी ड्रेस को वापस लाने के लिए। लेकिन उसे वहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जाता, उससे कहा जाता है कि यहाँ के कुछ रूल हैं, जिसके बाद होकाई को भी एक ड्रेस दी जाती है और उसे भी LARPers बना दिया जाता है, LARPers यानी कि किसी सुपर हीरो की नकल करना। और फिर वो उसके बाद जाता है उस निंजा के पास, जहाँ पर वो जाकर उससे अपना सूट वापस मांगता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम सबके सामने हारने की एक्टिंग करो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये सूट दे दूंगा, क्योंकि वो जानता था कि वो होकाई है, जिसके बाद वो मान जाता है।
और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केट बिशप अपने ऑफिस में होती है और फिर उसे एक पुलिस वाले का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि मैं डिटेक्टिव कार्लो बोल रहा हूँ और आपको पता होगा कि आपके घर में आग लगी है, इसलिए सिलसिले में उसे कॉल करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होकाई को अब वो सूट मिल जाता है और फिर वो वापस से उसे लेकर एक लॉकर में रख देता है। जिसके बाद उसे लोरा का फ़ोन आता है और फिर वो लोरा से कहता है कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा और वो कहता है कि मुझे अभी एक दिन और लगेगा। जिसके बाद लोरा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास अभी 5 दिन और हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केट बिशप, जैक और एलेनोर तीनों डिनर कर रहे होते हैं। जिसके बाद केट बिशप जैक से कहते हैं कि क्या तुम्हें तलवारबाजी आती है। जिसके बाद उसे तलवारबाजी के लिए पूछती है और फिर जैक उससे कहता है कि हाँ मुझे थोड़ी तलवारबाजी भी आती है और फिर केट उससे तलवारबाजी करने के लिए कहती है। जिसके बाद जैक भी मान जाता है और फिर वो दोनों अपनी ड्रेस पहनकर वहाँ पर तलवारबाजी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। केट उसके ऊपर लगातार हमला करती है लेकिन जैक उसका पलटवार नहीं करता है। जिसके बाद केट को उस पर शक हो जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद केट उससे कहती है कि तुम क्या छुपा रहे हो, लेकिन जैक उससे कुछ नहीं बताता है। जिसके बाद वो जैक के मुंह पर हमला कर देती है। जिसके बाद जैक अपने आप को बचाता है और वो कहता है कि मैं इसलिए इससे आ रहा था क्योंकि ये बच्ची है। अब जैक कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद एलेनोर केट को समझाती है कि तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो। जिसके बाद जैक पर आता है और वो उसे एक बटरस्कॉच कैंडी देता है जिसके ऊपर अरमान 3 का नाम लिखा था। उसके बाद केट अपनी मॉम से कहती है कि मुझे कुछ काम है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और होका के पास जाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन उस घर के बाहर खड़ा होता है क्योंकि वो केट बिशप का इंतजार कर रहा होता है, पर केट बिशप वहाँ पर नहीं आती है और उससे पहले वहाँ पर ट्रैक सूट माफियाज आ जाते हैं और वो होकाई को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। केट एक टैक्सी करती है और वो अपने सेफ हाउस के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वो होकाई को फ़ोन मिलाती है। जिसके बाद ट्रैक सूट माफिया का एक बंदा उससे कहता है कि होकाई तुमसे बात नहीं कर सकता। जिसके बाद वो होकाई के फ़ोन को ट्रेस करती है और वो होकाई की लोकेशन का पता लगा लेती है। अब हमें दिखाया जाता है होकाई जिसे ट्रैक सूट माफिया ने पकड़ रखा था। अब होकाई होश में जाता है और उसके बाद वो उनसे पूछता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। जिसके बाद वहाँ पर केट बिशप भी पहुँच जाती है और फिर वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। फिर ट्रैक सूट माफिया का मेन बंदा जाता है अपने बॉस के पास जो कि एक लेडी होती है और वो सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती है, और वो उससे कहता है कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका थर्ड एपिसोड मैं जल्द ही लाऊंगा।